अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो खैरियत से होंगे। अभी शाम का वक्त है और मौसम आज प्यारा है। हवा तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन मौसम प्यारा है। आज गर्मी इतनी नहीं थी और इनको देखे उन्होंने शोर डाला है। मुझे बाहर की रोटी डाल है और सही है, उन्होंने शोर डाला है अभी। और अभी मैंने मोर वगैरह को भी बंद किया है, इनको मैं नहीं खोलता अभी। और पालक वगैरह भी मैंने इनको भी डाली है क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा शोर दिखाते हैं। देखिए उन्होंने कितना गंद मचाया है। टमाटर भी मैंने डाले हैं, सारे टमाटर इन्होंने नीचे गिरा दिए हैं। और पालक भी जो मैंने डाली है और सारी खा के और बस यहीं पर फेंक दी है। बहुत गंदे हैं यार, सारी ज़ाया करते रहते हैं चीज़ें। और इन लव बर्ड को मैंने कहा यार डाल दूँ कि अब तक ये भी खा लें, लेकिन अभी तक कोई आया तो नहीं, ऊपर ही बैठे हुए चढ़ के। और तुम कहाँ घुसी हुए यार? ये देखें ढक के काम लेकर, ये भी अंदर घुसी हुई है आज, खा रही है पिजन्स की फीड। और ये गिनी फॉल, ये पक्की अंदर होती है ना ये, लेकिन आज पहली बार आई है शायद। चलो चलो तुम भी बाहर चलो, चलो 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 भागो बाहर। ये तुम्हारी फीड यहाँ पे है, तुम वहाँ पे खाओ, अंदर तुम्हारा क्या काम है। वो मुझे लगता है इनको दाने ज़्यादा पसंद है पिजन्स वाले। और मेरे पिजन्स का क्या हाल है, ठीक हो तुम? डाल ही रहे हैं ये, बस झूले ही लेते रहते हैं। अच्छे काम किए मैंने ये वाला। और मैंने जो शीट वगैरह लगी हुई थी ना इनके सामने बॉक्सेस की, मैंने ये और शीट उतार दी क्योंकि यार अब इतना डर नहीं है कबों का यहाँ पे आने का, इसलिए मैंने कहा वो भी तंग होते होंगे अंदर जाने आने में, तो मैंने उतार ही दी कि हवा भी लगती जाएगी उनको सही और आने जाने में उनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। और तीतर तो बस अब मैं आया हूँ, उन्होंने डाल देने। और मैंने इनको भी ये छली भी डाली है, ये खाते रहते हैं शौक से ही खाते हैं ज़्यादातर। अभी तक तो खा नहीं रहे, अभी तक तो वहीं बस कोने में ही हमेशा होते हैं। अभी मुझसे डर हैं, मैं आगे चले जाओ। और आज सब्जी का दिन है, सारों को मैंने आज सब्जी डाली हुई है। पालक इनको भी मैंने डाली है, शर्मीरा शर्मीली को भी, ये भी शौक से खाते हैं। और मोर मोरनी को भी डाल गए, सबको मैंने आज सब्जी डाली हुई है। और डक्स तो अभी पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी इनको अभी डाला है ना, चेंज किया है। और इनको देखे सारे पेट्स खा पी रहे हैं और ये मज़े से सोई जा रहे हैं। ये देखे अंदर मुंह बस रख के और दोनों सही जा रहे हैं। गीली जो है ना यार, अभी तक 8 अंडे दे चुकी है। और ये क्या हुआ कि रोज़ जब मैं केज में इनको खोलने जाता हूँ ना, तो कल भी मैंने आपको दिखाया था एक अंडा पड़ा हुआ था। और रोज़ जब जाता हूँ तो एक अंडा पड़ा हुआ था, और आज जब मैं खोलने आया हूँ ना उनको, तो कोई अंडा था ही नहीं केज में। तो मैं कहता हूँ यार ये जो एक डक ये अंडे दे थी रंगीली, अब इसने वो भी देना बंद कर दिए। और थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पे आई है ना पानी के लिए, पानी पी रही थी, और इस मैडम ने यहीं पे अंडा दे दिया। मैंने कहा चलो जी इसने यहाँ पे अंडा टूट जाएगा, उठा के मैंने वो संभाल लिए। और आज मैंने क्या काम किया है कि मैं आज बाज़ार से कुछ प्लास्टिक के अंडे लेके आया हूँ, और मैंने बस इसकी ताकि मैं इसकी जगह बना सकूँ, इसको पता लगे कि मैंने अंडे के ऊपर बैठना कहाँ पे है, इसकी जगह बन जाए। अगर इसे बैठना है तो ठीक है, फिर मैं नीचे इसके अपने अंडे रख दूँगा। और ये देखें मैंने यहाँ पे ऊपर एक पुराना टायर पड़ा हुआ था ऊपर छत पर पिजन्स के पास, तो वहाँ से उठा के लेके आया हूँ और इसके अंदर मैंने ये अंडे रखे हुए हैं। ये देखें ये असल अंडे नहीं है, ये प्लास्टिक के अंडे हैं। तो लग रहे कि नकली हैं या कुछ है, थोड़े बहुत लगते हैं, अगर पड़े हो ना फिर लगते हैं भाई असली हैं। हाँ लेकिन हाथ में उठाओ दो साफ साफ पता लग रहा है हल्के। ये 1, 2, 3 मैंने अंडे रखे हुए हैं, बस अब इसको अलग अलग जगह पता लग जाए। रात को यहाँ पे इसको रखूँगा और देखता हूँ कि बैठती है इन अंडों पर या नहीं। चलो आ जाओ। हमारी जो मुर्गी है ना यार, जो लड़ाकी हमारी मुर्गी है, उसको हमने अंडों पर बिठाया हुआ था। और उसको तकरीबन अभी 17 दिन हो गए हैं उसको, और 4-5 दिन ही रह गया उसको बच्चे निकालते हुए। ये यहाँ पे बैठी हुई है चूज़ा भी इसके पास बिल्कुल घूम रहे। उठाओ भी तुम्हार तुम उठाओ ना, अच्छा चलो यार उठाओ नहीं, वो देखो डिस्टर्ब हो रही है, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। असल में हमने इसके नीचे 12 अंडे रखे थे इसके नीचे हमने, और यार अभी इसके नीचे सिर्फ 6 अंडे रह गए हैं। अब पता नहीं इसने कौन से अंडे तोड़े हैं, डक्स के अंडे तोड़े हैं या अपने इसके अंडे तोड़े हैं, कोई पता नहीं है। ये तो देखेंगे जब ये बच्चे निकालेगी तो। चलो भाई बैठे रहो, फिर जब मर्जी हो अंदर चले जाना, बस एक मसला है कि अंदर गिरी फॉल चली जाती है। और ये असील मुर्गा भी यहाँ पहुँचा हुआ है, ओ चली गई फीमेल। चलो अब उसको मैं बंद कर देता हूँ दरवाज़ा इसका। और उधर देखे ना जरा लड़ाई लगी हुई है डॉग की, तो क्यों मारियो यार इसको? ये देखे ना इस बेचारी को मारी जा रही है ये डॉग, ये बहुत शरारती है यार। ये हटो हट जाओ हटो, क्यों मारियो उस बेचारी को? ये है मेल लेकिन पता क्यों मार खा रहे हैं। ये देखें फिर मारी है उसको यार,
ओहो हटो यार, तुम जाती भी इनके साथ है और फिर लड़ाइयाँ भी कर रही है। अब ना करना ये यार, कैसे मैं छुड़ाऊँ अब। छुटकी छुटकी चुकर छुटकी। और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो बबलू? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पीछे पीछे आ रहे, लगता है कुछ चाहिए इसको। और इसको देख के बबलू यहाँ मेरे पास आया हुआ है और भालू वो छुप के बैठा हुआ है वहाँ पे। हाँ बैठे रहो बैठे रहो, नहीं कह जाओ तुम्हें वहाँ पे, बैठे रहो चुप करके। और शरारती आज तुम भी यहाँ पहुँची हुई हो तीनों, इन सबको तंग करेंगी ये बड़ी जो डक्स है ना। ये देख ओ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, वो डर गया डक, डर गया वो, देखे भाग गई भाग गई। ये ना जी असील मुर्गा तो मार है यार, उसको सही मार है भाई, डाकू मार है वो तो। देखे वो फास्ट चाहती है, उसने एकदम किया के पीछे भाग गया। चलो ये देखे इसने अकेला बस कब्जा किया हुआ है, ना उनको खाने दे रहा है ना वो गिनी फॉल यहाँ किसी खाने दे रहा है, अकेले ही बस खाई जा रहा है। शेरू की कमी ये पूरी करता है, लेकिन शेरू तो बड़ी डाक से डर जाता है, ये तो डर ही नहीं रहा इससे। ये ओ ये देखे ना जी, इस बच्चे ने इसको भगा दिया है यार। ये क्या हो गया तुम्हें? वो देखो बड़े मेल डक से उसने वो डर गया इससे और उसकी बेबी ने आके इसको मारा है। चलो जी इनको देखना, सारे वाइट 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 बैठे हैं। बिग बॉय इनका लीडर इनको लेके ऊपर चढ़ा हुआ है। क्यों जी आज दीवार पे तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? सारे ऊपर बैठे हुए मज़े से। और डक तो यहाँ पे है, गिनी फॉल किधर गई है पता नहीं। पता नहीं गिनी फॉल गायब हुई है कहीं अभी। मैं कह रहा हूँ गिनी फॉल कहाँ गई हुई है? गिनी फॉल छत पे बैठी हुई है ऊपर, ये देखो छत के ऊपर भागी जा रही। और ये अभी मैं पास आया हूँ, उन्होंने मुझे लगता है अभी छलांगे मारने शुरू कर देनी है पीछे और जो इससे पहले। और वो जो हमारा पुराने वाले चीता था ना, वो भी इनको देख देख के इनका कॉपी कर रहा है। वो भी अब छलांगे मारकर अपने आप को मारता है कि मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। पहले जब चूजे के साथ था तब कुछ नहीं करता था वो। और शर्मीला शर्मिल भी तंग आए हुए हैं यार, तुम्हें मैं खोल नहीं सकता ना, तुम फिर शरारतें करते हो इतनी, ये काबू नहीं आते यहाँ पे। और सीधा भागेंगे अपने पुराने घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे इतना अरसा रहे हैं इतना अरसा कि, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है तो फिर यहाँ पे अच्छी तरह सेट हो जाए और उसके बाद इनको मैं रोज़ शाम को जैसे ये सारी पैड खुले हुए वैसे खोल दूँगा इनको। और इसको अभी बाहर ले गए थे अंकल और अभी अंदर आई हैं। और ये देखिए भाग भाग दौड़ के आई है भाई, और अब इसको प्यास लगी हुई है सख्त, आके बस सीधा पानी पी रही है। पियो पियो। और तुम क्यों नहीं पी रही? हाँ शूटर। और इसको देखिए इसको पसीने वगैरह भी आए हुए हैं। हाँ भाग दौड़ के आई हो रहे तुम, तब भी पसीने आए हैं। और इसका भी यही हाल है शूटर का भी, इसको पसीने आए हुए हैं। रानी तो नहीं भागती दौड़ती इतना, उसको इतने पसीने नहीं आते। ये बहुत शरारती हैं दोनों, दोनों भागती दौड़ती रहती हैं। घुमाइए तुम बाहर से। चलो उठो रंगीली उठो, बहुत खेल कूद लिया तुमने, रेस्ट कर लिया, अंदर जा केज में रेस्ट करना तुम। चलो 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 जितनी बैठी चलो, उधर उधर केज की तरफ, केज की तरफ कहाँ जा रही हो? चलो चलो शाबाश भाई, अभी तक तुम्हें अपने घर नहीं याद हो यार, वहाँ भी जा रही है अब। ओ चलो यार इनको तो ले, चलो यार कहाँ जा रही हो, उधर चलो इसको भी ले। ओहो चलो जी तुम्हारा काम तो हो गया, बस केज खुले रहिए भाई, नहीं आएंगे, बस गिनी फॉल को भी ले आने। यार अभी मैंने सारी चीज़ों को बंद की है और अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो आज का व्लॉग करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।